दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हाई फाई स्टडी में। दोस्तों आज हम रीजनिंग का एक बहुत ही बेहतर चैप्टर लाए हैं। चैप्टर का नाम है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड। चैप्टर का नाम लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड। लॉजिकल से ध्यान में हो गया अपना लॉजिक यूज करके क्वेश्चंस को बनाना है, उसका आंसर देना है। क्वेश्चन से आप परिचित होंगे, कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको मिले होंगे सीक्वेंस में सजाने के लिए, तो इसमें आपका दिमाग लगाना होता है। चैप्टर ही बोल रहा है कि लॉजिकल सीक्वेंस लगाना है, मतलब अपने दिमाग से सोचना है, इसका कोई ट्रिक और कॉन्सेप्ट होता नहीं है और ऐसा भी ये बहुत इजी होता है। देखिए हम कैसे बताते हैं, आपको जानते होंगे बनाना, फिर भी अगर नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए। शब्दों को सार्थक क्रम में सजाना है। सार्थक क्रम मतलब क्या होता है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कहना क्या चाहता है। देखिए जिला है एक नंबर में, दो नंबर में कस्बा है, तीन नंबर में राज्य है और चार नंबर में शहर है। बात सही है, ठीक है। तो इसमें से सही से बढ़ाना, यानी सार्थक क्रम मतलब समझे कि बढ़ते क्रम में सजा देना है आपको, ठीक है। यानी इसमें देखिए पहले जिला आता है कि पहले कस्बा की, पहले राज्य की, पहले शहर, ठीक है। तो हम अगर छोटा से बड़ा की तरफ जाते हैं तो सबसे छोटा पहले इसमें कस्बा होता है। कस्बा मतलब गांव टाइप का समझ जाइए, तो सबसे छोटा कस्बा हो गया, मतलब ये एक नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद कस्बा के बाद उससे थोड़ा बड़ा कौन होता है, तो थोड़ा बड़ा शहर हो जाता है। थोड़ा बड़ा शहर हो जाता है मतलब दूसरा स्थान पर ही आ जाएगा, चलिए ठीक है। उसके बाद शहर के बाद क्या आता है, जिला आ जाता है। तो शहर के बाद जिला हो जाएगा, यानी ये तीन नंबर पर हो जाएगा। उसके बाद कह देंगे कि जिला के बाद राज्य आता है, राज्य कितना नंबर पर हो जाएगा, चार नंबर पर हो जाएगा। इसमें पांचवा ऑप्शन देश भी रहता तो राज्य से बड़ा कौन हो जाता है, देश हो जाता है। तो पांच नंबर पर देश हो जाएगा, यानी सीधा समझ गया कि कस्बा पहला स्थान पर आएगा और शहर दूसरा स्थान पर आएगा। यानी दो नंबर कहाँ आ गया, दो नंबर देखिए पहला स्थान पर बैठेगा, ओकरा बाद चार नंबर पहला स्थान पर बैठेगा। तो दो नंबर पहला स्थान पर यहाँ बैठा हुआ है पहला स्थान पर, और चार वाला बैठा हुआ है दूसरा स्थान पर। तो इससे आप ऐसे भी मन में बना सकते हैं कि पहले कस्बा उसके बाद शहर, तो दो और चार मिल गया, आगे कोई ऑप्शन ही नहीं है, दो चार टिक लगा देंगे। अगला देखिए, महासागर तालाब नदी समुद्र कौन किससे बनता है, तो सबसे छोटा तालाब, तालाब के बाद हो जाता है नदी, नदी के बाद समुद्र, समुद्र के बाद महासागर। यानी कि दो नंबर तीन नंबर एक साथ खोज लीजिए, दो नंबर तीन नंबर यही में ना है, आगे मिलाइए चाहे नहीं मिलाइए, मिल ही जाएगा। दो के बाद तीन हुआ ना, यानी तालाब के बाद नदी, नदी के बाद समुद्र, समुद्र के बाद महासागर, बन गया। लॉजिक सिक्वेंस दिमाग का यूज करना है और बनाते चलना है। चलिए दूध घास लस्सी गाय दही, दूध घास लस्सी गाय दही क्या होगा पहले देखिए। दूध दूध बनाए ना, तो इसमें कहता है कि घास खिलाएंगे गाय को, गाय दूध देगा, और जब गाय दूध देगा तो उससे दही बनेगा, और दही बनेगा तो उससे लस्सी बन जाएगा। यानी सबसे पहले घास हो जाएगा, ओकरा बाद गाय हो जाएगा, घास हो जाएगा गाय हो जाएगा। यानी दो नंबर चार नंबर एक साथ खोज लीजिए, दो नंबर चार नंबर एक साथ खोजे तो यही एगो मिल गया। अपना दिमाग का यूज करना है, क्वेश्चन को बनाना है। अरे भाई घास देंगे गाय को तब गाय घास खाएगी, अगर गाय घास खा गई तब ना दूध देगी, अब खिलावे नहीं करेंगे घास तो कहां से दूध देगी, आ दूध दे दिया तो दूध देने के बाद उससे दही बन जाएगा, आ दही बनने के बाद तब ना लस्सी, ऊपर के छाली वाला से लस्सी बनता है। चलिए आगे देखते हैं, अब क्या है, तूफान है, वर्षा है, बाढ़ है, मानसून है, क्षति है, सबसे पहले कौन आ जाएगा इसमें, तो कह सकते हैं कि मानसून, मानसून आता है तब जाके क्या होता है, मानसून आने के बाद इसमें तूफान आता है, मानसून आता है उसके बाद तूफान आता है, तूफान होने के बाद वर्षा होता है, वर्षा होने के बाद बाढ़ आ जाता है, और बाढ़ आने के बाद क्षति हो जाता है। ऐसे ही बिहार बदनाम है बाढ़ आने के चक्कर में। क्या करता है सरकार का क्या नियम है कि बाढ़ जब आता है तब उसका रोकथाम का प्रयास करता है, बाढ़ आने से पहले रोकथाम का प्रयास नहीं करेगा, देखेगा कि आता है कि नहीं आता है, आ जाएगा तो करेगा, नहीं आएगा तो नहीं करेगा। सूखा भी पड़ जाता है, आधा बिहार बाढ़ से त्रस्त है, आधा बिहार सूखा से त्रस्त है। चलिए तो पहले हम इसमें समझ गए कि पहले मानसून आएगा उसके बाद तूफान आ जाएगा, तो चार और एक कहीं दिख रहा है, चार एक वाला चल जाइए, एक के वही ऑप्शन है। अगर चार एक दो गो ऑप्शन रहता तो कहीं आगे भी बढ़ जाते, लेकिन चार और एक वाला एक के ऑप्शन दिखाई दिया इसलिए हम यहाँ बना लिए। तो यहाँ क्या देख लिए हम कि दिमाग का, अपना दिमाग का सेंस यूज करना है, सेंस यूज करके क्या कर देना है, क्वेश्चंस को उठा देना है। तो इस तरह से लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स के जितने सारे क्वेश्चंस होंगे अब आप बना दीजिएगा, एक नंबर तो पक्का फिक्स हो गया आसान सा चैप्टर के साथ।
तो चलिए अगले क्लास में हम एक और टॉपिक को लेकर के आएंगे और अच्छे से उसका डिस्कशन करवाएंगे। प्रॉपर आपको नोट्स बनाना है, रीजनिंग का पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, कंप्लीट रीजनिंग प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको ए टू जेड रीजनिंग मिल जाएगा। जो चैप्टर बचा हुआ है उसको भी हम कंप्लीट कर रहे हैं, नोट्स बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, और अगर समझ में आया हो, लग रहा है कि दूसरे तक पहुंचाना जरूरी है, तो इसको शेयर भी कर दे। तो आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।